हालेलुया, सबको जय मसीह की और सबको हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु आपको आशीष दे और आप ब्लेस्ड रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और कितना अद्भुत बात है, कितनी अच्छी बात है कि जो न्यू ईयर है ये संडे वाला दिन है, रविवार वाला दिन है। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। वीडियो थोड़ा लंबी जा सकती है, ऑडियो थोड़ा लंबी जा सकती है, इसलिए जरूर सुने क्योंकि नए साल का आशीष वचन है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितनी अच्छी बात है कि न्यू ईयर संडे वाला दिन है। हालेलुया, और पवित्र बाइबल क्या कहती है कि विश्राम दिन का आप आदर करें। हालेलुया, रविवार का आप आदर करें। वैसे शनिवार पड़ता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिससे हम संडे को आराधना करते हैं तो हमारे लिए विश्राम दिन तो संडे ही रहेगा। हालेलुया, लेकिन वैसे बाइबलिकली सैटरडे है, लेकिन परमेश्वर वचन कह रहा है कि हम ब्लेस्ड रहेंगे। और कितनी अद्भुत बात है कि आज हम परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, और मैं सब लोग से कहना चाहूँगा इस नए साल में अपने भवन में जरूर जाएं, चर्च में जरूर आएं। परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आपको देने वाले हैं, बड़ी बड़ी आशी आपको देने वाले हैं, और आप धन्य होने वाले हैं और आप आशीष होने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर महान है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आपके बीच में अद्भुत कार्य करने वाला है। एक बड़ी ब्लेसिंग के लिए तैयार रहें सुबह। हालेलुया, सर जरूर आएं, प्रभु के जीवन में आशीष को पाएं। और जो हम अपने टॉपिक पर चलते कि आज न्यू ईयर है, और मैं आज आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं इस नए साल की हर एक आशाओं के लिए परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना 3:3 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई मनुष्य नए सिरे से नए जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकुदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बुढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर कह रहे हैं कि हमने नया जन्म लेना है। हालेलुया, बिना नया जन्म लिए वह स्वर्ग नहीं जा सकता, लेकिन मैं संसार की बात कर रहा हूँ। हालेलुया, हमने इस नए साल में एक नया जन्म लेना है। हालेलुया, जब तक अगर हम नए जन्म नहीं लेंगे तो हम आशीषों के अधिकारी नहीं हो पाएंगे। वहां पर स्वर्ग शब्द है, स्वर्ग मतलब आशीष ही आशीष। हालेलुया, इसलिए हमें नया जन्म लेने की जरूरत है। अब कुछ लोग सोचेंगे नया जन्म कैसे लें, कैसे लें, कैसे लें, कैसे लें। यहाँ पर निकुदेमुस भी कह रहे हैं, क्या कोई बुड्ढा वापिस गर्भ में जाकर वापिस जन्म ले सकता है? हम भी ये सोच रहे हैं कि हमने तो पवित्र आत्मा पार का है, हमने आशय पार की है, हमने बाइबल का ज्ञान पार का है, हम चर्च में जाते हैं, बहुत सी बातें ऐसी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, मसीह जीवन बूढ़े हो चुके हैं। वचन कहता है कि नया जन्म लेकर हम स्वर्ग में पहुंचेंगे। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपको नया साल की आशय मिले तो हमने अपने आप को मारना है। हालेलुया, मारना मतलब हमने अपने आत्मा को मारना है, अपने शरीर को मारना है, हमारा जो मन भटकता है इसको मारना है। हालेलुया, आज शुरुआत करते हैं, दिन की शुरुआत से हम सुबह उठते हैं, सोचते हैं चलो प्रार्थना करें, चलो प्रार्थना करते हैं, फिर मन में आता है नहीं 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 करनी, फिर थोड़ा सा उठते हैं, फिर सोचते हैं ये कार्य करते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं करते हैं। बहुत सी बातें जो आपका जीवन में होती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आप स्वर्ग के अधिकारी होना चाहते हैं, अगर आप स्वर्गीय आशीष चाहते हैं, अपने आप को नया जन्म दें। हालेलुया, आज आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पीछे बोल के प्रार्थना करें और आपको नया जन्म मिलने वाला है। और आज मैं सिर्फ आपकी आशीषों के लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। जो लोग रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं, प्रकाश परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं, इनका नाम पी और आर है, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं, जिनके शब्द में दो अक्षर आ रहे हैं जैसे कि पी आर आ रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं और मेरे पीछे बोल के प्रार्थना करें एक नए जन्म के लिए। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, कहें प्रभु यीशु मसीह जी, आज तक मैंने जितने भी पाप किए मुझे क्षमा करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे क्षमा करें। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं आपकी शरण में आता हूँ, मैं एक नया जन्म चाहता हूँ, एक नया जीवन चाहता हूँ, एक नया प्रकाश चाहता हूँ, एक नया मैं उजाला चाहता हूँ। मैं भटक गया था परमेश्वर, आज मैं चाहता हूँ कि आप मुझे स्वर्गीय रास्ता दिखाएं, आप मुझे स्वर्गीय रास्ता दिखाएं।
आप कहें आ जा मुझे स्वर्गीय रास्ता दिखाएं, आ प्रभु जी मेरे जीवन में आ जाएं। मैं प्रार्थना करना बंद कर दिया था, मैंने आराधना करना बंद कर दिया था परमेश्वर जी, भेंट निकालना बंद कर दिया था, दशमांश निकालना बंद कर दिया था, आपका वचन सुनना बंद कर दिया था, लाइव प्रार्थना सुनना बंद कर दिया था, बाइबल पढ़ना बंद कर दिया था। परमेश्वर आज मेरे जीवन में आ जाएं, आज मेरे जीवन में आ जाएं, आज मेरे जीवन में आ जाएं मेरे पिता। परमेश्वर प्रभु जी मैं मेरी गलती को मानता हूँ मेरे पिता, और मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता मेरे जीवन में उजाला आ जाए, मेरे घर में उजाला आ जाए, मेरे बिजनेस में उजाला आ जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और निश्चय परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है और एक स्वर्गीय आशीष आपको देने जा रहे हैं। और रबसलख रवनमा और राजा प्रभु का प्रभु एक किसका घर देख रहा हूँ, ब्लैक घर का गेट है और साथ में पौधा लगा हुआ है, और निश्चय परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देने वाले हैं। और मन्नू परमेश्वर आपको आशीष देने वाले हैं, रंधावा फैमिली परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देने वाले हैं, और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। और राजों का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आज इन्होंने नए साल की नई आशीषों में कदम रखा है मेरे पिता। व्यवस्था विवरण 28 की आशीष इनको मैं देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, यह फलवंत रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो संतान से ब्लेस नहीं हो रहे हैं मेरे पिता, इन्हें संतान का सुख मिले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन्ना बिलक बिलक कर रोती थी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हन्ना रोती थी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, लेकिन आपने उसे संतान दी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज निकले मैं संतान को मांगता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके बेटियां हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन्हें बेटे का आशीष मिले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके बेटियां हैं उन्हें बेटे का आशीष मिले मेरे पिता, और जो लोग बेटे का आशीष चाह रहे हैं उन्हें बेटे का आशीष मिले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और उससे बड़ी प्रार्थना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं मिरेकल मणि के लिए प्रार्थना करने वाला हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये जो लोग विश्वास कर रहे हैं आज परमेश्वर आपका जीवन अद्भुत कार्य करने वाले हैं। अपने हाथ में कुछ भी नोट या सिक्का रखें, कोई खाली हाथ परमेश्वर आगे नहीं आते, आज परमेश्वर के आगे उस चीज को रखें, नोट को सिक्कों को परमेश्वर के आगे रखें और मुट्ठी में रखें और कहें प्रभु यीशु मसीह जी मेरा धन बढ़ जाए, प्रभु यीशु मसीह जी मेरा धन बढ़ जाए, प्रभु यीशु मसीह जी मेरा धन बढ़ जाए, प्रभु यीशु मसीह जी मेरे बिजनेस में जो मुझे प्रॉफिट होता है वो बढ़ जाए मेरे पिता, मुझे मुनाफा होता है वो बढ़ जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे काम में बरकत आ जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे घर में बरकत आ जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे राशन में बरकत आ जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे सिलेंडरों में बरकत आ जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे आटे में बरकत आ जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे धन में बरकत आ जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे अकाउंट्स में बरकत आ जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे बिजनेस में बरकत आ जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो मेरा कार्य नहीं चल रहे हैं, जो मेरे काम नहीं चल रहे हैं इसमें बरकत आ जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे मिरेकल मणि की आशीष मिल जाए, इस नए साल में आपका गिफ्ट मिल जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं मिरेकल मणि से ब्लेस होने पाऊं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं मिरेकल मणि से ब्लेस होने पाऊं मेरे पिता। और जिन लोगों के पास घर नहीं है परमेश्वर आपको घर देने जा रहे हैं, मंजू जिसका नाम देवदार परमेश्वर आपको घर देने जा रहे हैं, देव परमेश्वर आपको घर देने जा रहे हैं, जो लोग रिसीव कर रहे हैं और रबसा लखरा बनामा और सुमन परमेश्वर आपको घर देने जा रहे हैं, कौशल्या परमेश्वर आपको घर देने जा रहे हैं, मन्नू परमेश्वर आपको घर देने जा रहे हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी इन्हें घर से ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और रबसा लखरा बनामा राजों का राजा प्रभु का प्रभु परमेश्वर प्रभु जी किसका नाम रज्जो रोज ऐसे बोलते हैं, परमेश्वर आपको घर की आशीष देने वाले हैं, जो लोग रिसीव कर रहे हैं कहीं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे घर की आशीष मिलने पाए, और जो लोग चाह रहे हैं कि मेरे घर में कार की आशीष होने पाए, बाइक की आशीष होने पाए, मैं प्रार्थना करने वाला हूँ एम नाम वाले ब्लेस्ड होने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और राजों का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी जो कार के आशीष चाह रहे हैं, अमन परमेश्वर आपको कार से ब्लेस करते हैं, ए नाम वाले प्रभु के नाम से ब्लेस हो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बी नाम वाले ब्लेस हो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से डी नाम वाले ब्लेस हो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जिसका नाम एफ से आता है इसकी फ्रांसिस हो गया, परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, नाम से नाम से नाम से नाम से लता परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं, जो लोग कार्य का आशीष चाह रहे हैं रिसीव करें प्रभु के नाम से, परमेश्वर आपको कार से ब्लेस कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ऐसे ब्लैक और रेड गाड़ी देख रखी है लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, आज परमेश्वर आपको इंतजाम करके दे रहे हैं। और जिनके घर में आशीष नहीं है, इनके घर में धन नहीं है, आज से धन रुकने वाला है मेरे पिता, इनके घर में धन आ जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये लोग ब्लेस हो जाए मेरे पिता। और जिनके पास जॉब नहीं है मेरे पिता, जो प्राइवेट जॉब के लिए तरस रहे हैं मेरे पिता कि हमें कहीं ना कहीं काम मिल जाए, हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं काम मिल जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें काम मिल जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें काम मिल जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये काम से ब्लेस हो जाएं। और रबसा लखरवना सी नाम वाले प्रभु के नाम से काम से ब्लेस हो रहे हैं। और रबसा लखरवनम्मा और जो उनके गवर्नमेंट जॉब की आशीष चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर गवर्नमेंट जॉब की आशीष चाहिए रिसीव करें, परमेश्वर का हाथ आपको ऊपर आ रहा है, इन्हें गवर्नमेंट जॉब की आशीष चाहिए, अपने सिर को हाथों को सिर पर रखें और कहें प्रभु यीशु मसीह मुझे गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करें, निश्चय परमेश्वर आपको गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस कर रहे हैं। इनके घर में लड़ाई झगड़े हैं, आज कहें
प्रभु के नाम से मैं फास्ट रखूंगा, मेरे घर से लड़ाई झगड़ा दूर होने पाए। निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, आपके घर से लड़ाई झगड़ा दूर होने पाए। जो कर्जे में है वो कहें, प्रभु के नाम से मैं आपके लिए फास्ट रखूंगा। प्रभु जी मैं 3 उपवास रखूंगा, मैं 1 उपवास रखूंगा। प्रभु के नाम से मैं कर्जे से आजाद होने पाऊँ। और निश्चय परमेश्वर आपको कर्जे से आजाद करने वाले हैं। और राबा सल्लख है रावण राजों का राजा प्रभुगा प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी यदि आजाद होने पाए। इनके घर में दुष्टात्मक बंधन थे वो कहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से बंधन टूट चुके हैं। मैं विश्वास करता हूँ दुष्ट आत्मा मेरे घर में फिर से न आने पाए। मैं उपवास करता हूँ, प्रभु के नाम से आशीष होने पाऊँ। और राज्यों का राजा प्रभुगा प्रभु जिनके पीआर में प्रॉब्लम आ रही है कहें, प्रभु के नाम से मैं उपवास रखता हूँ, मैं ब्लेस होने पाऊँ। और राज्यों का राजा जिनके ग्रीन कार्ड में प्रॉब्लम आ रही है प्रभु के नाम से ये लोग आशीष होने पाए। और जिनका वीजा में प्रॉब्लम आ रही है प्रभु के नाम से ये लोग आशीष हो जाएं। विजय में जो भी रुकावट आ रही है सब दूर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ओ आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जो लोग निराशा में हैं, जो लोग निराश हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से निराशा जाती वहां पर आशा रही है, निराशा जारी आशा रही है, निराशा जारी आशा रही है, प्रभु के नाम से वहां पर आशा रही है। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी इन्हें घर से ब्लेस करो मेरे पिता। इनके घर में कुछ लोगों के घर में बहुत सी कमियां हैं, कुछ ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें इनके घर में नहीं है। परमेश्वर आपको उन छोटे रिक्शा से आशीषों से ब्लेस कर रहे हैं। इनके पास रिक्शा नहीं है, परमेश्वर आपको ऑटो से रिक्शा से ब्लेस कर रहे हैं। और राजाओं का राजा और जो बीमार से ग्रस्त है परमेश्वर आपका जीवन अद्भुत कार्य करते हैं। आपकी रिपोर्ट सुनवा वाला रही है, आप रोगों से आजाद हो रहे हो, सारी बीमारियां निकल रही हैं, सिलसिले पाँव तक हर रोग निकल रहे हैं। छुटकार देने वाले परमेश्वर प्रभु जी इन्हें आजाद करें, ये ब्लेस होने पाए। इन्होंने नया जन्म लिया है पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे वादा कर रहे हैं कि ये सही समय पर प्रार्थना करेंगे, सही समय पर दशमांश निकालेंगे, सही समय पर प्रभु जी भेंटे निकालेंगे और सही समय पर भवन में आए करेंगे और बाइबल पढ़ा करेंगे, वचन पढ़ा करेंगे, पूरे परिवार के साथ मिलकर बैठ कर आराधना क्या करेंगे, आराधना सुना करेंगे मेरे पिता। इनके प्रार्थना को सुने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। छुटकारा देने वाले परमेश्वर प्रभु जी इन्हें ब्लेस 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 ये लोग ब्लेस होने पाए। आप कहें और मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, आप जो भी मांगना चाहते हैं आज इस नए साल में मांगिए। 30 सेकंड देता हूं आपको, आप जो मांगना चाहते हैं परमेश्वर से मांगिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। ओ रब सलख रब नवा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनके जरूरतों को पूरा करें मेरे पिता, इनके जरूरतों को पूरा करें, 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 इनके जरूरतें पूरा होने पाए, इनकी जरूरतों को पूरा करें, इनकी जरूरतों को पूरा करें। ओ रब सलख रब नवा राजों का राजा प्रभुंग प्रभु, इनकी जरूरत पूरी होने पाए प्रभु जी, इनकी जरूरत पूरी होने पाए। और निश्चय जिन्होंने मांगा है परमेश्वर बड़ी आशीष आपको देने वाले हैं, बहुत बड़ी आशीष आपको देने वाले हैं। आपने जितना मांगा उसे ज्यादा देने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर हम छोटी से कुप्पी से नापते हैं, परमेश्वर अपने हाथ से नापता है। हालेलुया। और रबस्सा लखरावण मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनके जीवन में अद्भुत कार्य कर दो मेरे पिता। इन्होंने जो मांगा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी वह स्वर्ग से पूरा होने पाए। इन्होंने जो मांगा है वह पूरा होने पाए। इन्होंने जो भी मांगा है वह पूरा होने पाए। इन्होंने जो मांगा है वह पूरा होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। इनके लिए वो पूरा होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और जो आत्मा बढ़ना चाहते हैं या आत्मिक बने, इनका पैसे फंसे हुए हैं, इनके पैसे मिल नहीं पाए, इनका बरकत नहीं है, ब्लेसिंग नहीं बिजनेस में, इनका बिजनेस दौड़ने पाए, इनके हालात ऐसे बिखर चुके हैं, बिल्कुल घर में पैसा नहीं है, बिल्कुल घर में धन संपत्ति नहीं है, घर में आटा नहीं है, घर में तेल नहीं है, घर में पीने के लिए पानी भी नहीं है, घर में लाइट भी नहीं है, पूरे परेशानी से भरे हुए हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। कर्जे वाले कर्ज से आजाद हो रहे हैं, ओ डिप्रेशन वाले डिप्रेशन से आजाद हो रहे हैं, बीमारी का रोगी रोगियों से आजाद हो रहे हैं। ये अद्भुत चमत्कार के जीवन में हो रहे हैं। जो मसीह में आत्मिक बढ़ना चाह रहे हैं या आत्मिक बढ़ रहे हैं प्रभु के नाम से, जो बड़ी आशीष चाह रहे हैं उन्हें ब्लेसिंग मिल रही है, जो पवित्र वचन में बढ़ना चाह रहे हैं पवित्र वचन में बढ़ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनकी जो पत्नियां चली गई हैं, पत्नियां लौट आए, इनकी शादी नहीं हो पा रही, इनकी शादी होने पाए, ऑपरेशन कैंसिल होने पाए, जो से बाहर निकलने पाए, हर एक रोग से आजाद होने पाए, एलर्जियां कैंसर बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से आजाद होने पाए, कोड़ी कोड़ से शिफा पाने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दया करो 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 मेरे पिता, इनके बीच मजबूत कार्य करो। और ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं। जो 30 सेकंड की मैंने बोला कि आपने मांगा है आप रिसीव करें,
परमेश्वर आपका जीवन अद्भुत कार्य करने वाले हैं। अभी कल भाई ने मुझे गवाही भेजी, उनका 3.5 लाख रुपया फंसा हुआ था, लेकिन जब उसने मेरी प्रार्थना को सुना, मैंने सिर्फ उनको टाइप किया था कि प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं, और वो 3.5 लाख जो फंसा हुआ था, परमेश्वर ने 3.5 लाख से उन्हें ब्लेस किया है। और ऐसे बड़ी गवाहियां आपके जीवन में आने वाली हैं। बस आपने ये कहना है कि हमारे जीवन में गवाहियां नहीं पाई, और निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं, और आप बड़ी आशीष से ब्लेस होने वाले हैं। फिर से कहूंगा, हमारे मिनिस्ट्री की ओर से आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर, और प्रभु आपको ब्लेस करें, आप आशीषित रहें, और चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसने विश्वास के जिसने ग्रहण किया है, बड़ी उत्तम आशीष आपके लिए तैयार हैं, और बड़ी आशीष आपके लिए तैयार हैं, और आप ब्लेस होने वाले हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।